जाट आंदोलन की आड़ में मुरथल में महिलाओं से कथित गैंगरेप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस भले ही मना करे पर वहां संदिग्ध कपड़े मिलना संशय पैदा कर रहा है। जी हां, यहां के मशहूर सुखदेव होटल के पास से महिलाओं के फटे कपड़े मिले हैं। जगह जगह फटे कपड़े बिखरे हुए थे। पुलिस ने इन्हें कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। साथ ही हाईकोर्ट से लगी फटकार के बाद हरियाणा पुलिस ने घटना की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी का गठन कर दिया है। हालांकि सबूत मिल तो गए जो इस ओर इशारा करते हैं कि खेतों में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, पर क्योंकि कोई भी शिकायतकर्ता सामने नहीं आया इसलिए पुलिस भी ये मानने को तैयार नहीं कि ऐसी कोई वारदात हुई है। मैं आपके माध्यम से जनता से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि किसी के पास कोई सूचना, कोई ऑडियो क्लिप, कोई वीडियो क्लिप, कोई भी एविडेंस अगर किसी भी इस प्रकार के अपराधों के बारे में अवेलेबल है तो इस कमेटी के किसी भी मेंबर को आप फोन कर सकते हैं या अपनी कन्वीनियंस पे कहीं भी लोकल पुलिस को भी फोन कर सकते हैं। देखिए, ये अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, हम अभी ये चीज नहीं वेरीफाई कर सकते कि कौन आना चाहता है और कौन नहीं आना चाहता, बट वी विल डू आवर बेस्ट। बेस्ट कमेटी अभी तो फॉर्म हुई है, अभी कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने सबने सुनी होगी, तो अभी आवर इन्वेस्टिगेशंस विल बिगिन, नो डाउट अबाउट दैट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 30 लोगों की भीड़ ने कई कारों को रोका और इनमें आग लगाई। इन लोगों ने 10 महिलाओं के साथ गैंगरेप किया, इनके कपड़े तक फाड़कर फेंक दिए। बाद में घर वालों और आसपास के लोगों ने इन्हें कपड़े दिए, तब जाकर महिलाएं खेतों से बाहर आ सकी। सोशल मीडिया के जरिए मामला देश के कोने कोने तक फैल गया है, लेकिन अब तक क्योंकि कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं आया तो मामले की जांच कुछ कथित गवाहों के बयान पर की जा रही है। कुछ तो प्रत्यक्षदर्शी भी अब घटना से मुंह मोड़ रहे हैं। उस न्यूज़पेपर रिपोर्ट में जो विटनेस साइट किए गए थे, इसमें जो जिन लोगों के नाम थे वहीं खड़े हैं, मेरे साथ ही खड़े हैं। आप लोगों ने भी उनसे पूछताछ की है, मैंने भी पूछताछ की है, उन्होंने बिल्कुल इस बात को नकारा है, सिरे से कहा है कि हमने ऐसे कोई बयान नहीं दिया और हमारे सामने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, रादर हमने कुछ लोगों के जैसे चोट लगी थी उनकी हेल्प की है, तो ये बात सामने आई है। और कोई हमारे पास अभी तक पुलिस स्टेशन में, कंट्रोल रूम में या कहीं पर भी या किसी वन और डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई है जिसमें कोई सेक्शुअल असॉल्ट या मोलेस्टेशन की किसी वीमेन की बात हुई हो। और हम जिन लेडीज़ का नाम भी लिखा गया था, जिसमें जिस पर परिवार का रेफरेंस भी दिया गया था, उनसे भी पूछा है हमने, तो उन्होंने चोट की बात तो पुष्टि किया कि चोट लगी है हाथ में, पर ऐसे असॉल्ट और ऐसा इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा है कि पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं, पीड़ित अपनी शिकायत मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट को भी दर्ज करवा सकती है। पुलिस ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिस पर पीड़िता गठित कमेटी के सदस्यों को फोन करके भी जानकारी दे सकती है।